मोबाइल फ़ोन किस किस के पास है? सभी के पास है। उसकी बैटरी की भी टाइमिंग होती है, इंसान की भी बैटरी है, इसकी भी टाइमिंग होती है। तो जो तवानाई है, जितनी ज़्यादा भरपूर तवानाई आप देंगे उतना भरपूर नतीजा लेंगे। और वो मैंने कल एक्सरसाइज करवाई थी, पता नहीं आपके ग्रुप में किस, मैंने मार्कर यहाँ मांगा था, एक साहब से मैंने वादा लिया था जो मांगूंगा मुझे देंगे, यहाँ पर था ना वो, इधर था, आपसे मांगा था मैंने। आज तो मौका था ले आते मेरे लिए, कि आज भी नहीं लाए। अच्छा, तो वो तवानाई आपके पास होगी तो आप दूसरों को देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। रात को मैं एक मिसाल दे रहा था, मुझे याद आई कि मैं जब कराटे करवाता था तो तकरीबन 7 साल जब भी नेशनल कराटे चैम्पियनशिप होती तो एक वेट में, लाइट वेट, मिडल वेट, हैवी वेट, कोई भी एक वेट में नेशनल चैम्पियन हमेशा मेरे क्लब से बनता। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं मसरूफ़ हो गया दूसरी एक्टिविटीज़ में, तो मैंने क्लब बंद करने की बजाय क्लब के सबसे सीनियर लड़के के हवाले क्लब कर दिया। उससे कहा कि ये क्लब अब आपका है, फीसें भी आप लें, ये भी करें, ये भी करें, लेकिन सिखाना आपने है। उसके बाद ये हुआ, मैंने भी गौर नहीं किया, मैं वक्तन फोक्तन क्लब चला गया, जब टाइम होता तो मैं क्लब चला भी जाता, लेकिन फोकस नहीं किया। एक दफ़ा अंदाज़ा हुआ 3-4 साल गुजरने के बाद कि गुज़िश्ता 4 साल से एक मरतबा भी हमारा लड़का नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में से गोल्ड मेडल नहीं लेके आया। क्लब वही, टेक्निक्स वही, लड़के वही, सामान वही, और 7 साल से कभी कोई ब्रेक ही नहीं आई, और इन 4 सालों में एक भी गोल्ड मेडल नहीं। किसी ने मेरी तवज्जो करवाई कि सर अब क्या हो गया है। मैंने भी गौर किया कि वाकई ये क्या हुआ। अब मैं ख़ुद भी क्लब वक्तन फोक्तन जाता था, अब जब मैं वक्तन फोक्तन क्लब जाता था तो मैं खराबी को नहीं जांच सकता था। उसकी वजह ये थी, ये छोड़ने लग गया आवाज़ बीच बीच में अपनी। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जब मैं क्लब जाता तो जो लड़का क्लास करवा रहा होता वो क्लास करवाना छोड़ देता, वो मुझे कहता कि सर आप आए हैं तो आज आप क्लास करवाएं, और मैं कहता बिल्कुल ठीक है, मैं क्लास करवाता और आ जाता। मेरे पीछे से क्या होता है मुझे अंदाज़ा नहीं होता था। तो अब मैंने जानना था कि मेरे पीछे गलती क्या हो रही है। उस दिन मैं क्लास में गया हूँ तो लड़के ने मुझे देखा तो उसने मुझे क्लास दी। मैंने कहा नहीं, आज मैं बैठूँगा, क्लास आप करवाएंगे। मैं इनकी तरह बैठ गया वहाँ पर। अब लड़का पहले तो वैसे ही कन्फ्यूज़ किया, सर मुझे क्लास कराते हुए देखेंगे, मेरी गलतियाँ तो नहीं हो रही, ये भी तो होता है ना। उसने मुझे देखा, हालांकि खुशक हो रहा है, जुबान कांटे पड़े हुए, अब उसकी एक्टिंग से लग रहा है मुझे कि जो हो रहा है इस वक्त। खैर, अब उसने क्लास को इकट्ठा किया, उन्हें कहता है कि अब हम क्लास करेंगे, सर आए हुए ठीक करके करनी है, ये नहीं पहले ठीक नहीं करते रहे। अच्छा, अब आप सीधे खड़े हो जाए, सब के सब सीधे खड़े हो गए, अब हम पंच करेंगे। वो जैपनीज में बोलते हैं, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पंच करेंगे हम, 1 2, ज़ोर से करें ना पंच, 3, थोड़ा और ज़ोर लगाएं, 4, सुबह नाश्ता नहीं किया आपने, जान लगाएं ना, सर भी देख रहे हैं, 5, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने 10 तक नहीं गिनती होने दी, मैंने तो रोक लिया, मेरा खबरदार रुक जाओ, मैंने कहा मैं कराता हूँ क्लास, कम ऑन स्टैंड अप, सीधे खड़े हो जाएं, राइट, पंच करेंगे, 1 2, जान नहीं है आप में, ज़ोर लगाएं, छाती बाहर निकालें, कम ऑन पंच टाइट करें, 3, 1 मिनट में क्लास का पंच ठीक हो गया। जब आप कहेंगे पंच जोर से मारे ना, ऐसे पंच तो नहीं मारा गया था, आंख मारी जाती है। पंच मारने के लिए, जोर के लिए, अगर सामने वाला अपनी आवाज में, लबो लहजे में, बॉडी में, अपने मसल्स में तनाव पैदा नहीं करेगा, सामने वो सही पैगाम नहीं जाएगा कि जोर से मारो। जोरदार काम निकालने के लिए जोरदार, और मोहब्बत किया करो लोगों से, मोहब्बत ऐसे होती है। मोहब्बत के लिए अपने अंदाज में, अतबार में, लहजे में, आंखों में मोहब्बत डालनी पड़ेगी। जोश दिलाने के लिए अंदर जोश डालना पड़ेगा। तो अपनी तवानाई का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि वो तवानाई दूसरों में ट्रांसफ़र हो। उसके लिए अच्छी खुराक लें। मैंने आपको वो शुगर लेवल को इंक्रीज़ करने के तरीके बताए थे जो ट्रेनिंग के लिए चाहिए होते हैं। आपको ग्लूकोज़ ज़्यादा मिले, आप बेहतर तवानाई के साथ काम कर सकें। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा करें।